यूं तो दिवाली अक्टूबर महीने के अंत में है, लेकिन बीता कल आम आदमी पार्टी के लिए किसी दिवाली से कम नहीं रहा। जहां खुशियां, रौनक और जुबानी हमलों की आतिशबाजी भी खूब रही, और हो भी क्यों ना, आखिर 177 दिनों का वनवास यानी कि 177 दिनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लगभग 6 महीने बाद सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी है। बता दें, केजरीवाल भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल गए थे और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ही जमानत पर जेल से बाहर भी आए हैं। केजरीवाल पहले कहते थे कि उनके खून का एक एक कतरा दिल्ली के लोगों के लिए है, लेकिन कल उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद ये कहा कि उनके खून का एक एक कतरा भारत के लोगों के लिए है। अब केजरीवाल जेल से बाहर आए और माहौल एकदम शांत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर आक्रामक नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया, और जेल से बाहर आने के बाद उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। यानी कि उनका कहना है कि 177 दिन जेल में रहकर उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो उनकी 80 वर्षीय मां ने उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी पार्टी नेताओं को लड्डू खिलाकर केजरीवाल के बाहर आने का जश्न मनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे हरियाणा चुनाव है, हरियाणा जहां केजरीवाल और कांग्रेस में समझौता सीटों पर नहीं हो पाया। आपने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर अब केजरीवाल वहां प्रचार करने जाएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। हरियाणा में मतदान में अभी 21 दिन बाकी हैं और शराब घोटाले से जुड़े सभी आरोपी नेता जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पार्टी के तीनों सबसे बड़े नेता अभी बेल पर बाहर हैं। ऐसे में क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई सफलता हासिल कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल 2014 से लेकर 2024 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का वोट समीकरण अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को ना तो सांसदी में जीत मिली है और ना ही विधायकी में। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हुई है, जबकि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरने पर भी हरियाणा में केजरीवाल के कैंडिडेट की जीत नहीं हो पाई, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और जाति धर्म के नाम पर बंटवारे का मुद्दा उठा रहे हैं और निशाने पर सीधे बीजेपी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते और जांच में रुकावट डालने और गवाहों को प्रभावित करने में भी कोई भी कोशिश नहीं कर सकते हैं। ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में कंडीशनल बेल मिली है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा जहां उनकी कंडीशनल बेल को लेकर हमलावर है, तो वहीं लूसीफर नाम के एक एक्स यूजर ने केजरीवाल की जमानत को लेकर पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की फोटो को साझा करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल मुझे पसंद है, पर सच तो यह है कि हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत देना इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी ने अपनी हार से बचने के लिए वोट काटने के लिए उन्हें बेल दिलवाई है। अब तो समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की क्या बात हुई। तो वहीं एक अन्य यूजर है, केवट बिंदु बाला बिंद, उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ही दी गई है जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके और तिकड़ से वोटों का ध्रुवीकरण करके जनता को गुमराह व धोखा देकर भाजपा की सरकार बनाई जा सके। अब न्यायपालिका को कुछ कहना है। हरियाणा में कांग्रेस व आपका गठबंधन हुआ होता तो क्या केजरीवाल बाहर आते। तो ये ट्वीट तो वो थे जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पक्ष के यानी कि आपके समर्थक हैं उन लोगों की ये ट्वीट्स हैं। वहीं प्रदीप झाकर नाम के एक यूजर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, पर ना वो ऑफिस जा सकते हैं ना कोई बयानबाजी कर सकते हैं। इनका हरियाणा में भी वही हाल होगा जो लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हुआ था। इनकी चालबाजियों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इन ट्वीट्स को देखकर साफ है कि माहौल दो तरफा है, यानी कि कुछ लोग केजरीवाल की रिहाई के फैसले से खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग केजरीवाल की रिहाई को लेकर निशाना साध रहे हैं, जिसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य नेताओं की, तो लोकसभा चुनावों से पहले जितने भी बड़े विपक्ष नेताओं को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उन तमाम नेताओं को भी अब जमानत मिल चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत, शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम शामिल है। अब अरविंद केजरीवाल का मेन टारगेट हरियाणा विधानसभा चुनाव है, लेकिन अगर हम नजर डालें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, तो दिल्ली की सत्ता में पिछले एक दशक से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद दोनों पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सातों सीटों पर हैट्रिक जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जेल का जवाब वोट से अभियान भी चलाया गया था। पार्टी को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर लोगों की सहानुभूति मिलेगी, लेकिन यह सहानुभूति जीत नहीं दिला सकी। दिलचस्प बात अब यह है कि अब केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल जनता के सामने भावुक भी हो गए थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने लंबे वनवास यानी कि 177 दिनों के न्यायिक हिरासत के बाद इस बार जनता की सहानुभूति के साथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।